नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हाई कोर्ट LDC की जो भर्ती है 2024 के उसके बारे में बात करने वाले हैं। CET से बाहर ये भर्ती है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। योग्यता क्या है, कि पद कितने हैं और सिलेबस क्या है, इसको लेकर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में LDC भर्ती के बारे में बात करेंगे। हाईकोर्ट के द्वारा जारी की गई है LDC 2024 की भर्ती है। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, क्या इसकी योग्यता है, क्या कितने इसके पद है, कितने और जो क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हाईकोर्ट ऑफ झारखंड रांची, जी हाँ दोस्तों झारखंड रांची में ये भर्ती निकाली गई है। कुल जो वैकेंसी है वो यहाँ पे कितनी है, 2024 का नोटिफिकेशन है दोस्तों। कुल कितने पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में बात करते हैं। कुल जो पद जो है 410 पद हैं यहाँ पे। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। जनरल कैटेगरी का, SC कैटेगरी का, ST का, EWS, इनके सभी का यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये टोटल जो है 410 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। इसका जो ऑनलाइन फॉरम है इसके बारे में बात करें कि कब से स्टार्ट होंगे, इसके जो ऑनलाइन फॉरम है जो 10 अप्रैल से यहाँ पे शुरू हो चुके हैं दोस्तों। 10 अप्रैल से इसके फॉरम स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट इसकी जो है 9 मई है। लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 9 मई इसकी लास्ट डेट है। असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स एंड स्टेट्स ऑफ द झारखंड, तो यहाँ पे झारखंड की जो स्टेट कोर्ट है वहाँ पे यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। LDC भर्ती है, इसका पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे दिया गया है। कितनी यहाँ पे सैलरी दी जाएगी इसके बारे में आपको बताया गया, 25,500 से 81,100 तक यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। ग्रेजुएशन यहाँ पे होना चाहिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी के अंदर, और कंप्यूटर के अंदर आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर का जो टाइपिंग वगैरह है आपको आनी चाहिए। RSAT कोर्स होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे लिखा है आपको जो कैंडिडेट है वो आप कैंडिडेट जो आवेदन करता है, जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आपको जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट, यहाँ पे आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। और स्पोर्ट्स कोटा वाले स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, स्पोर्ट्स कोटा वाले। इसके अलावा जो है यहाँ पे 21 साल यहाँ पे एज होनी चाहिए, 21 साल आपके पास एज होनी चाहिए, और 40 ईयर से ज़्यादा आपके रहने हैं, 40 साल से ज़्यादा आप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 1/1/2024 के अनुसार ये आपके जो है आयु संबंधी जो डिटेल दी गई है। अगर इसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जो मेरिट लिस्ट जो किसके आधार पर निकाली जाएगी, जो आपके जो रिटर्न टेस्ट एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर आपके मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म, जो एक कैंडिडेट है वो आपको एक ही फॉर्म भर सकता है, एक से ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना होगा दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कि फैसिलिटी फॉर डिसेबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट है जिनका अगर विकलांग है या उनके आंखों में मिस्टेक है, जैसे अंधापन है ऐसा कुछ है, तो उनको जो यहाँ पे है 40% से ज़्यादा अगर उनकी ऐसी दिक्कत है तो उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के अंदर, जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 20 मिनट पर आवर यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे अगर उनके ऐसी कोई दिक्कत है, 40% से ज़्यादा उनके पास डिसेबिलिटी है मतलब विकलांगता है, अगर उनके ऐसे कोई दिक्कत है तो उनको जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पर आवर। इसके अलावा ये पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे डिटेल वाइज दिया गया है। एग्ज़ाम फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 10 तारीख से। यहाँ पे फ़ोटो जो है डॉक्यूमेंट्स जो क्या लगेंगे, कलर स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए दोस्तों 10 KB से 50 KB तक। एप्लीकेशन सिग्नेचर इन ब्लैक, जो आपका जो आवेदक है उसके जो साइन है वो काले पेन से होना चाहिए दोस्तों। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्कैन करके लगाने हुए हैं, JPG और JPEG ओनली, ठीक है दोस्तों। ये आपको इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस यहाँ पे लिखी गई है ₹500 जो है फॉर अनरिजर्व्ड EWS BCA फर्स्ट और BCA सेकेंड कैटेगरीज के लिए, और यहाँ पर जो है 125 ओनली SC ST कैटेगरीज के लिए।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन होगा यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यूपीआई नेटबिंग की एक बार अगर आपकी फ़ीस जमा हो जाती है तो वो यहाँ पर रिफ़ंड नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फिल अप इन इंग्लिश, इंग्लिश में ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये पूरा जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको दिया गया है, फॉर्म है यहाँ पे, डिटेल है। इसके अलावा आपके जो है एग्ज़ाम जो है, पहले रिटर्न टेस्ट होगा 90 अंक का, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों। और जो जिसके अगर दिक्कत है ऐसी तो उनको यहाँ पे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर 5 मिनट का आपका यहाँ टाइम दिया जाएगा, 100 वर्ड 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का, ठीक है। तो इस प्रकार ये एग्ज़ाम है। सिलेबस क्या रहने वाला है, ग्रुप फर्स्ट जर्नल इंग्लिश होगा दोस्तों, जर्नल इंग्लिश का यहाँ पे टेस्ट होगा। ऐसे राइटिंग होगी यहाँ पे, कंप्रेशन होगा, इंग्लिश ग्रामर होगी, इंग्लिश वर्ड पावर 20 मार्क्स एज वेल एज इंग्लिश ऐसे राइटिंग 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का यहाँ पे ऐसे राइटिंग होगा। ग्रुप सेकंड में आपका जनरल नॉलेज होगा 30 नंबर का। ग्रुप थर्ड में न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग टेस्ट इंक्लूडिंग मैथमेटिकल टेस्ट और मैट्रिक स्टैंडर्ड, यहाँ पे आपका जो रीजनिंग का और मैथमेटिकल का इनका टेस्ट होगा वो 30 नंबर का होगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट यहाँ पर होगा। उसके बाद ये कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं, 410 यहाँ पे पद है टोटल। और इसकी ऑनलाइन जो डेट है 10 तारीख से लेकर 9 तारीख तक यहाँ पे इसकी ऑनलाइन डेट है, ठीक है दोस्तों। 10 अप्रैल से यहाँ पे फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 9 मई यहाँ पे इसकी लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। 9 मई इसकी लास्ट डेट है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। LDC की भर्ती है 2024 की, झारखंड रांची के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई, हाईकोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।